हरियाणा और पंजाब से अपने घरों के लिए निकले प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया है। उनके लिए अलग अलग जगहों पर आवासीय व्यवस्थाएं भी की गई है। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और पीने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे लोगों की संख्या कुरुक्षेत्र में 500 तक पहुँच गयी है। लगभग 150 लोगों को सहपात में रखा गया है। सोमवार को अम्बाला मंडल के अतिरिक्त पुलिस निदेशक आलोक राय व IAS अधिकारी SS पुरिया ने सहपात में बनाए गए इन आश्रय स्थलों का दौरा किया और प्रवासी मजदूरों के लिए सभी व्यवस्थाओं के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के भी निर्देश दिए। मीटिंग लेबर है हमारे पास, जैसे जो लेबर CM साहब ने आदेश किए थे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं सबको हमने कैंप में यहाँ पर रखना, उनको मेडिकल फैसिलिटी और जो भी आवश्यक वस्तुएँ हैं वो सारी की सारी देंगे। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग 16 लोग अभी रुके हुए हैं, मेल हैं, 6 उसमें महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं और साथ के साथ देवी मंदिर है, वहाँ पर भी कुछ लोगों का हमने कैंप बनाया हुआ है, उन लोगों को रखा हुआ है। इसके साथ साथ ये मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा स्पेस कम हो गया था, अभी आप देख रहे हैं कि ये बस में हम इनको कुछ लोगों को दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करेंगे। आपने देखा भी कुछ से लोग आए हैं जो बढ़ चढ़ कर आगे जो सामाजिक संस्थाएँ हैं तो उन्होंने ऑफर किया है कि हम पूरा का पूरा फूड देने के लिए तैयार हैं और जितने दिन भी आवश्यकता पड़ेगी उन लोगों को इन लोगों को फूड देंगे। परंतु ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर जो मारकंडा मंदिर में है वही जो संस्था है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी है वही इनका फूड का इंतज़ाम कर रही है। साथ ही साथ मेरे साथ आज CMO साहब हैं, DSP साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ये सभी लोग बड़े अच्छे से देख रेख कर रहे हैं और कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आई।